रिगांशी पेट केनल से हैं जी। हम आपसे पहले भी मिले थे अमरोहा में। हाँ जी बिल्कुल। पूडल आपकी विनिंग किए थे वहाँ। हाँ पूडल विनिंग किया था। बरेली में कौन से डॉग्स लेके आए? बरेली में मैं पूडल भी लाई हूँ, बेसिकली इस बार इसको लाई हूँ मैं। ये मेरा थाईलैंड इम्पोर्ट बच्चा है शिरजू। मैम शिरजू कितने साल का है? ये 1.5 साल का है। अच्छा अभी कितने कॉम्पिटिशन खेले? ये 2 कॉम्पिटिशन जीता है। 2 कॉम्पिटिशन जी। पहले अलीगढ़ लेकर के गई थी। हाँ जी अंकल लेकर के गए थे। और सेकंड ये यहाँ अलीगढ़ में भी क्या रिजल्ट रहा था? अलीगढ़ में बेस्ट ब्रीड और लाइनअप में सेकंड आया था ये। और यहाँ आज बरेली शो में लेके आए? बरेली में दोनों बार बीओबी ले लिया है इसने, लाइनअप में भी और बेस्ट ऑफ ब्रीड में भी। मैम एक्चुअल में मैं ब्रीड डॉग शो कवर करता हूँ, मैं आपको देखता रहता हूँ डॉग शो में, तो मैं जानना चाहता हूँ कितने टाइम से तकरीबन ब्रीडिंग कर रहे हैं? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से। कौन कौन से डॉग्स हैं आपके पास? मेरे पास अपना शिरजू है, पूडल है, मेरे पास गोल्डन और लेब्रा है, मेरे पास ब्लैक लेब्रा है, गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, और मेरे पास अपने रोटविलर है। इसकी क्या खासियत है? ये बहुत प्लेइंगफुल है और देखने में क्यूट, तो टेडी बियर साइज लगते ही हैं, कम खाते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं। लेकिन इसके बाल काफ़ी बड़े हैं, तो गर्मी में कोई दिक्कत वगैरह? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाल छोटे होंगे तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखेगा भी तो नहीं ना ही। तो बाल की वैसे आप कटिंग वगैरह कराते हैं? हाँ ग्रूमिंग रेगुलर रहती है, कॉम्बिंग डेली रहती है, ग्रूमिंग रेगुलर रहती है। कितने टाइम कॉम्बिंग डेली? ग्रूमिंग 1 मंथ। 1 मंथ में। अच्छा फैमिली में कैसे हैं? बहुत प्लेफुल है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अगर कोई भी डॉग्स मतलब मैं आज के टाइम में आपको पता है डॉग ब्रीडिंग का क्या हो गया कि कोई भी लोग कहीं से डॉग्स ले लेते हैं, बेबी होते हैं, उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो कुछ और ही निकलते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा अगर कोई इस टाइप का अगर डॉग्स पाले क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पालते हैं, तो उसके अंदर क्या कुछ देखे पहले, क्या क्वालिटी होती है? ये जो हेड मार्किंग है ये देखी जाती है, आईज मार्किंग देखी जाती है, स्टेप बाई स्टेप मार्किंग ये देखी जाती है। जी और यहाँ डॉग शो के अंदर जज भी हुआ था, यहाँ भी यही जज करते हैं? जी बिल्कुल डॉग शो के अंदर भी यही जज करते हैं, तभी इनको बेस्ट ऑफ ब्रीड मिला है। अच्छा मैम किसी को डॉग शो अगर ब्लड लाइन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या स्ट्रक्चर पे? मैं तो समझती हूँ अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉस्चर अच्छा है, तो ब्लड लाइन आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। भाई खुद से भी तो आप कुछ शुरू करेंगे ना? खुद से भी शुरू करेंगे। अच्छा अभी तक के एक्सपीरियंस में वही मेरा एक सवाल रहता है कौन से डॉग्स ज़्यादा पसंद? मुझे मिनी ब्रीड ज़्यादा पसंद आती है पर्सनली, जो मेरे अगर लार्ज ब्रीड में मुझे गोल्डन रिट्रीवर बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा मैम आगे क्या है डॉग्स को अपने कहाँ तक ले जाने का सोचा? सर नेशनल तो लेके जाना चाहूँगी एटलीस्ट। हाँ KCI। ठीक है मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।